नमस्कार बच्चों, मैं हूँ आपकी दोस्त फूल कुमारी। नमस्कार फूल कुमारी दीदी, आज आप हमारे लिए क्या लेकर आई हैं? आप ही बताओ, क्या सुनना या सीखना चाहोगे आज? दीदी कोई कहानी? नहीं, कहानी तो पिछली बार ही सुनी थी। दीदी आज कोई नया दोहा सिखाइए ना। दोहे तो हमें सिर्फ दो ही पंक्तियों में कितना सारा ज्ञान दे देते हैं। बिल्कुल सही। चलो तो फिर आज मैं आपको रहीम दास जी का एक लोकप्रिय दोहा सिखाती हूँ। हाँ दीदी सिखाइए। तो सुनो, ये दोहा कुछ इस प्रकार है। रहिमन ओछे नरन सो, बैर भली ना प्रीत। काटे चाटे स्वान के, दों भांति विपरीत। अब मेरे साथ साथ दोहराओ। रहिमन ओछे नरन सो, रहिमन ओछे नरन सो, बैर भली ना प्रीत, बैर भली ना प्रीत। काटे चाटे स्वान के, काटे चाटे स्वान के, दों भांति विपरीत, दों भांति विपरीत। दीदी इस दोहे का अर्थ क्या है? अरे बताती हूँ। रहिमन ओछे नरन सो, बैर भली न प्रीत। ओछे नरन यानी तुच्छ लोग। रहीम दास जी कह रहे हैं कि ओछे लोगों से या नीच लोगों से न तो हमें दोस्ती करनी चाहिए न ही दुश्मनी, बल्कि उनसे दूर ही रहना चाहिए। क्यों दीदी? ये बात वे आगे की पंक्ति में समझा रहे हैं। काटे चाटे स्वान के, स्वान यानी कुत्ता, दों भांति विपरीत यानी कुत्ते का काटना और चाटना दोनों ही बुरा लगता है। अगर कुत्ते को प्यार करो तो वो चाटता है, बैर रखो तो काटता है। वैसे ही ओछे या नीच लोगों से चाहे दोस्ती रखो या दुश्मनी, कष्ट खुद को झेलना ही पड़ता है, इसलिए इनसे दूरी बनाए रखने में ही समझदारी है। ओह, ये तो एकदम सही बात है दीदी। रहीम दास जी ने कुत्ते के चाटने और काटने का उदाहरण दिया है, सही में दोनों ही खराब हैं। पर दीदी आप क्या कोई और उदाहरण देके हमें ये समझा सकती हैं? हाँ हाँ क्यों नहीं। जैसे कि अगर आप किसी चोर से दुश्मनी पालो तो वो आपके ही घर में चोरी करने की साजिश करेगा और सारी धनराशि चुरा कर आपको चोट पहुंचाएगा। और अगर आप किसी चोर से दोस्ती रखो तो वो अपने गंदे चोरी चकारी के कार्यों में आपको भी फंसा सकता है, आपका नाम लगा सकता है या अपनी बुरी संगति से आपके विचारों पर भी मैला असर डाल सकता है। ये तो बिल्कुल सही बात है दीदी। ऐसे ओछे लोगों से तो दूरी ही बनाए रखना ठीक रहेगा। जैसे एक गंदी मछली पूरे नाले को गंदा कर देती है, वैसे ही ऐसे लोगों की संगत चाहे दोस्ती में हो या दुश्मनी में सबका बुरा ही करेगी, है ना दीदी? बिल्कुल सही कहा। चलो एक बार फिर मेरे साथ इस दोहे को दोहराओ। दीदी मुझे तो ये दोहा याद ही हो गया, सुनाऊं? हाँ हाँ सुनाओ। रहिमन ओछे नरन सो, बैर भली ना प्रीत। काटे चाटे स्वान के, दों भांति विपरीत। अरे वाह बहुत बढ़िया। अब इस दोहे की सीख को भी तुम हमेशा ध्यान रखना। हाँ दीदी हम ध्यान रखेंगे और इसकी सीख को अपनाएंगे भी। बहुत अच्छे, आज के लिए बस इतना ही। अपनी फूल कुमारी दीदी को दीजिए विदा, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद दीदी।